आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि 22 जनवरी का दिन हम सबके लिए ऐतिहासिक व अस्मरणीय है। अयोध्या में दिव्य श्री राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस पुण्य अवसर पर हम सभी दिवाली मनाएं, घरों में राम ज्योति प्रज्वलित करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में आयोजित श्री राम राहगिरी आनंद उत्सव में सहभागिता कर विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह ने मुख्यमंत्री जी का आत्मीय स्वागत व अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में आयोजित श्री राम राहगिरी आनंद उत्सव का शुभारंभ प्रभु श्री राम जी, माता सीता जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री हनुमान जी के स्वरूप की पूजा अर्चना कर किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि कल अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य अवसर पर पूरे देश भर में दिवाली मनेगी। आप भी अपने अपने घरों में दीप जलाएं, मिठाइयां बांटें और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हम सभी का सौभाग्य है कि कल अयोध्या में दिव्य और भव्य श्री राम मंदिर में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मैं खुद श्री राम राजा मंदिर ओरछा में आयोजित विशेष आयोजन में सहभागिता करूंगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में देश की स्वतंत्रता के लिए मात्र 19 वर्ष की अल्प आयु में अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद हेमू कलानी जी के बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया एवं देश की आजादी में उनके अमूल्य योगदान का स्मरण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में आयोजित रंग संग ड्राइंग एवं पेंटिंग कॉम्पिटिशन कार्यक्रम में सहभागिता कर प्रतिभागी कलाकारों का उत्साह वर्धन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने वार्षिक कैलेंडर का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में स्थित भोलेनाथ मंदिर एवं प्रसिद्ध श्री मायापति हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के मंगल एवं कल्याण की कामना की।